पार्श्वनी शहर में बरसों पुराना सपना साकार होने जा रहा है। जहां पहले पार्श्वनी शहर में मोक्षधाम के नाम पर टीन के शेड है, जहां किसी का निधन हो तो इसी टीन के शेड में वो शव का क्रियाक्रम किया जाता था। मृत शव को जलाया जाता था। ना ही शोक सभा लेने के लिए हॉल था, ना ही उचित शेड था, और तो और प्रसाधन की भी कमी थी। मोक्षधाम के नाम पर यहाँ पर एक शेड है, वह भी टूटा फूटा हुआ। मगर पिछले दिनों नागरिकों की बरसों पुरानी मांग होने से यहाँ पर मोक्षधाम निर्माण के लिए प्रयास किए गए, वह सफल होने से यहाँ पर पिछले साल मोक्षधाम निर्माण के लिए करीब 1 करोड़ रुपए उपलब्ध किए गए, जो यहाँ पर नया मोक्षधाम तैयार करने के लिए सरकार की ओर से राशि उपलब्ध की गई थी। उसी में यहाँ पर पिछले साल से मोक्षधाम का काम शुरू किया गया, जो आज पूरा होने जा रहा है। 2 शेड मृत शरीर को जलाने के लिए बनाए गए हैं। कुछ कमियां यहां पर है, जो आने वाले दिनों में पूरी होने की संभावना लगाई जा रही है। यहां पर 2 शेड मृत शव को जलाने के लिए बनाए गए, वहीं पर एक शोक सभा लेने के लिए विशाल हॉल भी तैयार किया गया है। पास ही में प्रसादन गृह भी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। पूरे परिसर में सुंदर वॉल कंपाउंड तैयार कर दिया गया है। जमीन स्थल पर गट्टू बिछाने से मोक्षधाम में सुंदरता दिखाई देती है, पर यहाँ पर अब तक पीने के जल की व्यवस्था और बिजली नहीं होने से मोक्षधाम आज भी अधूरा है। सुविधा तैयार की गई, मगर अधूरा कार्य होने से यहाँ पे मृत शव को अंत्यविधि के लिए पार्श्वनी धोद्रा नदी की 4 किलोमीटर आज भी ले जाना पड़ रहा है, जो बहुत ही तकलीफ का काम है। अगर पार्श्वनी के मोक्षधाम का अधूरा काम जल्द हो गया तो यहाँ की जनता को बहुत ही लाभदायक होगा, जो यहाँ पर मरने वालों के शव को जलाने के लिए मददगार हो सकता है। इसलिए यहाँ के अधूरे कार्य को ठेकेदार ने समय रहते पूरा किया तो मोक्षधाम का लोकार्पण भी जल्द किया जा सकता है। इसलिए नगर पंचायत प्रशासन ने यहाँ का अधूरा काम जल्द से जल्द कराने में सामने आना जरूरी है, वरना यहाँ के नागरिक को धोद्रा नदी पर ही शव अंत्यविधि के लिए ले जाना पड़ सकता है, जो बहुत ही पीड़ादायक कार्य है। इस ओर प्रशासन ने ध्यान देने की आवश्यकता है। पार्श्वनी से NBC न्यूज के लिए रूपेश खंडारे की रिपोर्ट।